पहले माँ का आशीर्वाद। फिर मंदिर में दर्शन। उसके बाद पत्नी बेटी और बेटे के साथ दिल्ली की सड़क पर रोड शो। सोमवार को नई दिल्ली सीट से पर्चा दाखिल करने जा रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले रोड शो किया। इस दौरान केजरीवाल की जीप पर उनकी पत्नी बेटा बेटी आप विधायक मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह मौजूद रहे तो सड़कों पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ दिखी। रोड शो के दौरान ढोल नगाड़ों और गाने की धुन पर उनके समर्थक आम आदमी पार्टी का झंडा लहराते रहे तो हाथों में केजरीवाल के कटआउट्स लेकर उनके समर्थक उनकी जीप के आगे आगे चलते दिखे। आज सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का रोड शो वाल्मीकि मंदिर से होते हुए पंचकुइया मार्ग, सीपी आउटर सर्किट, पालिका बाजार से होते हुए कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पर खत्म हुआ। फिर से विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। 2013 में पहली बार चुनाव लड़े थे, फिर 2015 में, और आज 5 साल पूरे हुए और सेटिस्फेक्शन है कि 5 साल में काफ़ी काम किया और अगले 5 साल भी मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की जनता उन लोगों को काम करने का मौका देगी। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रोड शो में भारी भीड़ की वजह से सोमवार को वो नामांकन दाखिल नहीं कर पाए। उन्हें 3 बजे तक नामांकन दाखिल करना था। केजरीवाल ने कहा कि अब वो मंगलवार को नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 10 वादों का गारंटी कार्ड जारी किया था, जिसमें उन्होंने दोबारा सत्ता में आने पर छात्रों के लिए मुफ्त बस सेवा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोहल्ला मार्शल की नियुक्ति समेत अनेक वादे किए। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 8 फरवरी को मतदान होना है, जबकि 11 फरवरी को मतगणना होगी। टीम न्यूज़ नेशन।